देखिए हम आपको आज ऐसे यूथ आइकॉन की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहले कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से तमाम यूथ यहां पर आया हुआ है और आज कहें उनका यहां पर बर्थडे मनाया गया है और कितने हर्षोल्लास के साथ यहां पर उनका जन्मदिन मनाया गया है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेवाड़ी के कौनसीवास रोड पर उनका भव्य स्वागत किया गया है और भव्य स्वागत किया गया है राहुल फाजिलपुरिया का। कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा इनका चेहरा दिखाएं क्योंकि आज इनका जन्मदिन है। रेवाड़ी पहुंचे हैं, कई सारे आयोजन हैं। इनसे एचआर न्यूज आज सीधी बात करेगा और ये यूथ के वो आइकॉन है जो कहें कि जो नया यूथ होता है किस तरीके से इनको अपना आइकॉन मानता है, इनके पद चिन्हों पर चलता है और किस तरीके से इनके हरियाणवी गाने कहें किस तरीके से छाए रहते हैं, किस तरीके से लोगों के बीच में उन गानों का कहें लगाव है, लोग सुनते हैं। तो सीधा बात करते हैं फाजिलपुरिया जी, पहले तो आपका एचआर न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद एचआर न्यूज और एचआर न्यूज की सारी ऑडियंस को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप रेवाड़ी पहुंचे हैं जी, क्या कहेंगे आपने जन्मदिन अपना मनाया, कहते कि अनूठे अंदाज में आज आप जन्मदिन मना रहे हैं जी। अब इस बार हमने रेवाड़ी में जन्मदिन मनाने की शुरुआत की है और मैं सारे रेवाड़ी के मेरे जितने भी भाई हैं, पहले भी जब भी मैं तो बहुत प्यार देते और आज भी उन्होंने बहुत प्यार और अच्छे से स्वागत किया। आज हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया हुआ, उसमें भी हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं और हमने एक इवेंट भी रखा हुआ है बीएमजे मॉल में। तो मेरे जितने भी यहाँ के युवा साथी हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि रेवाड़ी को क्यों चुना है, क्या ऐसा रेवाड़ी के अंदर है, और भी हरियाणा के अंदर बड़े बड़े शहर हैं वहां भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा सकता था, वजह क्या है, रेवाड़ी को क्यों चुना आपने, ऐसा क्या है रेवाड़ी के अंदर? रेवाड़ी से मेरे को हर बार बहुत प्यार मिलता है। जब भी हमने लास्ट टाइम हमने गाना लॉन्च किया था तो रेवाड़ी के अंदर जो यूथ है मेरे को बहुत प्यार करता है। गुड़गांव में हम बहुत ज्यादा इवेंट कर चुके हैं, गुड़गांव में ऐसी बहुत सारी फाउंडेशन में जा चुके हैं, तो मेरे को लगा कि अब की बार रेवाड़ी से शुरुआत करी जाए क्योंकि रेवाड़ी में जितने चाहने वाले लोग हैं, जितना नया यूथ है उनको एक सही रास्ता देखें। आपके रिश्तेदारी भी रेवाड़ी के? रेवाड़ी के अंदर मेरा भांजा खड़ा है योगेश। अच्छा, ये भांजा है? जी जी जी। तो देखिए कहें भांजे ने यहाँ पर बकायदा इनका जन्मदिन मनाया है मामा का। जब मामा इस तरीके से कहें लोगों का यूथ आइकॉन हो तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन जाता है और जिस तरीके से तमाम लोगों ने इनका यहाँ पर स्वागत किया है कहे राहुल फाजिलपुरिया का, और इनके कई सारे यहाँ पे आयोजन है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, अनूठे अंदाज में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो जो इनके रिलेटिव है उनसे बात कर लेते हैं। जनाब आपने यहाँ आज इनका रेवाड़ी में जन्मदिन मनाया, किस तरीके से तैयारी आप लोगों ने की? हमने, मेरे मामा जी हैं राहुल फाजिलपुरिया, तो फाजिलपुरिया के नाम से जाने जाते हैं, और मेरे को पता चला कि मामा जी का यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह है, तो हमने चाहा कि आ रहे हैं तो उनका वेलकम करें और बर्थडे सेलिब्रेट करें क्योंकि हमारे यूथ के लिए ये बहुत बड़े आइकन है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। तैयारियां पहले कर ली थी आपने? तैयारियां तो रहती है जी, कभी भी आओ मोस्ट वेलकम रहता है इनका। अपने घर में तैयारियां नहीं होती। देखिए अपने घर में आए तो जाहिर है रिश्ता बड़ा है और यहाँ पर जन्मदिन मनाया गया, लेकिन जो कैमरा पर्सन तो कहेंगे चेहरे जरूर दिखाएं किस तरीके से जब यहाँ पे राहुल फाजिलपुरिया जी आए तो तमाम लोग अपने मोबाइलों से देखिए वीडियो बनाने में लगे हुए हैं कि एक एक तस्वीर इनकी कैमरे में कैद हो जाए। विनय जी क्या कहेंगे, आप तो यहाँ रहते हैं रेवाड़ी में, आज फाजिलपुरिया जी का जन्मदिन मन रहा है, आपने स्वयं बुक्का देकर के इनका जो है स्वागत यहाँ पे किया है? मोहन जी हमारे ये रिश्तेदार हैं, हमारे गेस्ट हैं और यूथ के आइकॉन हैं, तो इनका जन्मदिन है तो हमारा दायित्व बनता है जब हमारे ये रेवाड़ी शहर में आए हैं तो इनका हम स्वागत करें और इनको भी महसूस होना चाहिए कि हम रिश्तेदारी में गए हैं तो मेरा मान सम्मान वहां भी बरकरार है। दूसरी बात क्या, अब पहले का समय आप देखेंगे उस टाइम में हमारे परिवार के जो लोग थे उनकी मानसिकता अलग तरह की थी, वो बच्चों को इस फील्ड में जाने नहीं देते थे। सिंगिंग लाइन है, एक्टिंग लाइन और अदर जो भी हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट की लाइन है उनमें बच्चों को जाना वर्जित होता था। बड़े जो बुजुर्ग थे उनकी सोच जो थी वो अलग तरह की थी, मगर अब ये जो इंडस्ट्री है ये आपके नाम फेम और पैसा ये सब कुछ देती है, बशर्ते आप किसी तरह का गलत प्रचार इस लाइन के थ्रू ना करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी साथ साथ दें और पैसा भी कमाए, नाम भी कमाए। और मैं इनके लिए बहुत अच्छे नाम मानता हूँ, इन्होंने अपने गाँव का नाम अपने नाम के साथ जोड़ रखा है फाजिलपुरिया, क्योंकि एक आदमी अपने अगर गांव की पहचान, अपने क्षेत्र की पहचान अपने नाम से करवाता है तो उससे गर्व की बात उस क्षेत्र के लिए, उस गांव के लिए, शहर के लिए नहीं हो सकती। तो ये बहुत अच्छी बात है। 2005 में मैं जब इस लाइन में था
उस टाइम हम केवल हमारा हरियाणवी जो एक्टर थे उनका एक बजट होता था लाख हजार, पचास हजार रुपए, पच्चीस हजार रुपए लाख, अगर कोई एल्बम लाख रुपए लगा देता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। उस टाइम जो था हरियाणवी जो इंडस्ट्री को था वो एक अच्छी नजर से लोग नहीं देखते थे, बहुत ही बैकवर्ड कैटेगरी में गिनते थे। उस टाइम पंजाब का ज्यादा क्रेज चल रहा था। तो अब जिस तरह से हमारे हॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के अंदर हमारे हरियाणवी जो गाने हैं, म्यूजिक्स हैं, लिरिक्स और एक्टर और सिंगर फेमस हो रहे हैं, तो यकीनन आज की डेट में हरियाणा पूरे हॉलीवुड बॉलीवुड में बुलंदियों पर है और आने वाले समय में नाम आगे और बढ़ेगा। और मैं चाहता हूं कि फाजिल प्रिया जैसे ऐसे सिंगर जिनमें भी टैलेंट है वो आगे आए और हमारे देश का नाम इस इंडस्ट्री में खूब रोशन करें, रोशन करें। लेकिन सवाल ये है कि राहुल फाजिल प्रिया जी से अभी एचआर न्यूज के सवाल है और जवाब मांगेंगे, क्योंकि रोज रोज ये लोग पकड़ में नहीं आते, पूरी हरियाणा में घूमते हैं और यूथ आइकॉन है। जनाब पहला सवाल, राजनीति में जाने का कोई विचार आपका? ये तो मैं पहले तो आपके जवाब से पकड़ में नहीं आते, मेरे से ज्यादा कोई अवेलेबल आपको इस इंडस्ट्री का मिलेगा नहीं। चलिए हम ये बोल रहे हैं आप राजनीति में, देखो ऐसा है अगर मेरे जितने भी युवा भाई है और कोई भी मेरे को कहेगा कि भाई हमें एक आप जैसे नेता की, आप जैसे भाई की जरूरत है सही रास्ता दिखाने, तो मैं बिल्कुल इसमें मेरे को उधर आई थी बिल्कुल आगे बढ़ के उनके साथ दूंगा उनका काम करने का। कौन सी पार्टी ऐसी है जहां लगता है क्योंकि पार्टी तो देखो मेरा तो घर परिवार है, भाई दुष्यंत सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला वो तो मेरा परिवार ही है, आज से नहीं पिछले 10 साल से साथ है, तो कोई दोहराई नहीं है कि इसके अलावा कहीं और आप देख पाए। यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप गाने बनाते हैं, यूट्यूब पे लोग आपको लाखों करोड़ों लोग आपको देखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि यूट्यूब पे जिस तरीके से गन भी कहेंगे पिछले दिनों में आया है कि लोग अलग अलग तरीके से हुड़दंग डांस और ये तमाम चीजें गाने जो बनाते हैं उनको किस तरीके, मैं एक सिंपल और सीधा सा मैसेज देना चाहूंगा कि जितना भी अभी युवा है, जितने भी मेरे भाई है मेरे जैसे है, बड़े बुजुर्ग तो चलो उनका एक टाइम है कि अभी उन्होंने सब कुछ खा कमा लिया, बढ़िया सेटल हो चुके, जितने भी 16 साल से लेके 25 साल तक के बच्चे वो इंस्टाग्राम जैसी ऐप के झांसे में आए, वो सारा दिन उसको स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उसमें लगे हुए, पढ़ाई का उन्होंने गैप दे दिया। अगर 10 साल बाद ये ऐप अगर बंद होती है तो जिन्होंने पढ़ाई में गैप दे दिया वो करेंगे क्या? आज कुछ युवा है जो लगे हुए हैं कि भाई ठीक है हम सारा दिन रील्स बनाते हैं, हमें वहां से स्पॉन्सर आ गए, ये आ गया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़ के इसमें लग रहे। पढ़ाई मत छोड़ो, पैरेलल ही काम करो, पढ़ाई को साथ लेके चलो, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं। कल को ये ऐप बंद होगी तो आपको आपके पास क्या, बिल्कुल बेरोजगार हो गए एक ऐप के चक्कर में। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया को मिस यूज ना करें, उसका यूज ले जितना हो सके। तो जिस इंडस्ट्री में आप हैं उसको हरियाणा में बढ़ावा देने के लिए कोई रोड मैप आपके जहन में है? मेरे जहन में तो है, अगर मेरे को मौका मिले तो मैं सबसे पहले हरियाणा के अंदर फिल्म इंडस्ट्री बनाने का काम करूँ। मेरे को तो ये क्योंकि इतना टैलेंट है और इतने छोटे समय के अंदर जो हरियाणा इंडस्ट्री ग्रो करी है, मेरे ख्याल से और इंडस्ट्री को लग गए 10-10, 20-20 साल और हमारी इंडस्ट्री ने बहुत ही कम समय में अच्छा ग्रोथ किया और अच्छा नाम किया है, बिलियंस में गाने हैं, ट्रेंडिंग में है, तो हमारे हरियाणा को इंडस्ट्री में चाहिए पूरा पूरा चाहिए। तो ये थे राहुल फाजिल पुरिया जी जिन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि इनके पास बहुत सारे आयोजन है, इनको जाना है, कैंप में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया हुआ है, अनूठे अंदाज में अपना जन्मदिन यहाँ पर मनाया हुआ है। फिलहाल इतना ही, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।